पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने सूबे में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी दवाइयों की सप्लाई ठप होने के मामले पर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, हेल्थ सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के एमडी को मामले की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 नवंबर तय की है। गौरतलब है कि राज्य में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी दवाइयों की सप्लाई ठप है और पिछले दो वर्षों से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई में 90% की कमी भी आई है। याचिका में मांग है कि जल्द से जल्द नया टेंडर किसी को दिया जाए या फिर पहले के टेंडर को फिर से एक्सटेंड किया जाए। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जनहित याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई तो हुई है लेकिन कई अधिकारियों से जवाब भी मांगे गए हैं। जी बिल्कुल सुभाष जी, आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश भर में जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के जो दवाइयों को वितरण होना चाहिए था उसको लेकर के जो टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 2018 में जो जिसको टेंडर दिया गया था उसको, उस टेंडर को एक्सटेंड किया गया था सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद से लेकर के अब तक किसी प्रकार से कोई नया तो टेंडर जारी किया गया और न ही किसी जो पुराना जो टेंडर दिया गया है उसको एक्सटेंड किया गया। इसको लेकर के जो गृह मंत्री हैं प्रदेश के, ननकीराम कंवर जो पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा है कि जो जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं वहां पर इसका आपूर्ति नहीं हो पा रहा है और सप्लाई नहीं हो पा रही है। और इस मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और कई बार लगातार पत्राचार भी किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है और साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरीके से कोई दवाइयों की आपूर्ति नहीं होती है तो जो भी मरीज होते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है, साथ साथ जो शासकीय अस्पताल होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। पूरे मामले पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ जो हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी नोटिस जारी करते हुए एक निर्देश मांगा है कि कब तक ये मामला हो सकता है और इस मामले पर 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल पंकज, अब देखना होगा कि आगे अधिकारी क्या कुछ जवाब देते हैं और इस मामले में क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट सुनाती है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो यूनानी दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, लगातार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में दवाइयों के सप्लाई में 90% की कमी आई है और इसी से जुड़ी एक याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की गई थी।